सभी को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूं जयंत पटनायक, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। पिछले लेसन्स में हमने डिस्कस किया था एक बहुत ही प्रसिद्ध कायदा, धा धा दिट धा धा दिन ना। मैं उन सभी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर मैं आपको लेसन सिखा रहा हूं तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं ये पूरा ध्यान रखूं कि आप वो अच्छे से सीख रहे हैं कि नहीं। तो इसे चेक करने के लिए मैं आज से एक चीज नई स्टार्ट कर रहा हूं। तो मैं वीडियो के मध्य में या आखिर में आपसे एक सीक्रेट सवाल पूछा करूंगा। तो जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जो स्टूडेंट अच्छे से सीख रहे हैं, वो उस सवाल का जवाब मेरे को कमेंट्स में लिखकर बताया करेंगे। तो वहां से मुझे पता चलेगा कि आपने मेरा वीडियो कितना ध्यान से देखा है और कितना याद किया है। अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जैसा कि आपको पता है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ताल। ये बहुत ही मुख्य ताल है, 12 मात्रा की ताल है। आज हम इसके शुद्ध बोलों के बारे में चर्चा करेंगे और इस ताल को बजाने का ढंग देखेंगे। तो आइए विलंब ना करते हुए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। एक ताल के बोल है, धिन धिन धागे तरकिट तू ना कत्ता धागे तरकिट धी ना। इस ताल की ताली खाली देखते हैं, 1 2 3 स्टार्ट। धिन धिन धागे तरकिट तू ना कत्ता धागे तरकिट धी ना। धिन धिन धागे तरकिट तू ना कत्ता धागे तरकिट धी ना। धिन। अब एक ताल के बोलों को विस्तार में देखते हैं। बोल हैं, धिन धिन धागे तरकिट तू ना कत्ता धागे तरकिट धी ना। धिन। बोलों को बजाने का ढंग है, धिन धिन धागे तरकिट तू ना कत्ता धागे तरकिट धी ना। धिन धिन धागे तरकिट तू ना कत्ता धागे तरकिट धी ना। तो पहला बोल है, धिन धिन धागे तरकिट तू ना, इतना बोल देखते हैं। धिन धिन धागे, अब धागे पे एक के बाद एक चलेगा। ग बोल छोटी उंगली से बजाना है, धा बोल मध्यमा उंगली से बजाना है। तो धिन धिन धागे तेरे किट। अब ये तेरे किट का बोल है, जैसे पिछले लेसन में मैंने बताया था तिट, इसमें आप पूरा हाथ भी यूज कर सकते हैं। अगर दो उंगलियों से बजाना चाहते हैं, दो उंगलियों से भी बजा सकते हैं। तो मैं पूरे हाथ से बजाकर दिखाऊंगा, क्योंकि पंजाब घराने में पूरे हाथ का प्रयोग किया जाता है, किसी भी उंगलियों को वर्जित नहीं रखा जाता। यहाँ तक कि अंगूठे का भी प्रयोग है कई पखावज के बोलों में, तो पंजाब घराने में पूरे हाथ का इस्तेमाल होता है। मैं आपको तरकिट पूरे हाथ की बजानी सिखाऊंगा। शुरू से बोल देखते हैं, धिन धिन धागे तरकिट तू ना, इतना बोल देखते हैं। धिन धिन, अब मैंने दो उंगलियों से बजाया है, आप एक भी उंगली से बजा सकते हैं। धिन धिन धागे तरकिट तू ना। धिन धिन धागे तेरे कीट, तेरे कीट, क में थपकी है, क क तेरे कीट, तेरे कीट। धिन धिन धागे तेरे कीट तू ना। फिर से देखते हैं, धिन धिन धागे तेरे कीट तू ना। ना का बोल बाहर बजेगा, तुन का बोल खुला बजेगा, तुन ना। धिन धिन धागे तेरे कीट तू ना। अब धागे तेरे कीट, ये बोल डबल स्पीड पे बजेंगे बाकी ताल से, जैसे धिन धिन धागे तेरे कीट तू ना। देखो बाकी एक एक बीट पे एक बोल आ रहा है, पर धागे तेरे कीट एक बीट पे दो बोल आ रहे हैं। धिन धिन धागे तेरे कीट तू ना कत्ता धागे तेरे कीट धी ना। ये मैं आपको ज्यादा ही विलंबित लय में बता रहा हूं। आजकल इसका प्रयोग सिर्फ ख्यालों में या विलंबित गायकी में ही होता है,
तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिए, क्योंकि कभी भी किसी के साथ भी आपको संगत करना पड़ सकता है ना, किसी सितार के साथ बजाना पड़ सकता है, किसी इंस्ट्रूमेंटल के साथ आपको प्ले करना पड़ सकता है। ये विलंबित लय भी आपके काम में आएगी। तो हम विलंबित में देख रहे हैं, 1 2 3 स्टार्ट। धिन धिन धागे तेरे किट तू ना का। अब क का बोल है थपकी, ता बाहर बजेगा, क ता धागे तेरे किट ना, धागे उसी प्रकार बजेगा धागे। इसमें आप ये दोनों उंगलियों को भी यूज कर सकते हो या सिर्फ मध्यमा उंगली को भी प्रयोग कर सकते हो। धा गे, ग का बोल पहली उंगली में बजेगा धा गे, धा गे तेरे किट तेरे किट। ये बहुत ही मुख्य बोल है, मैं अगले एक दो लेसन्स के बाद मैं आपको तेरे किट का एक कायदा भी सिखाऊंगा। तेरे किट का बोल देखते हैं, तेरे किट। तो वीडियो को मैं बीच में रोकता हूं ये पूछने के लिए कि आज का सवाल क्या है। तो आज का सवाल है, एक ताल में कितनी ताली और कितनी खाली है। एक ताल जो आज का लेसन है, 12 मात्रा की ये ताल है, इसमें कितनी तालियां और कितनी खाली है। ताली होती है भरी हुई और खाली होती है खाली, जिसको हम हाथ में दिखाते हैं। तो इसमें कितनी ताली और कितनी खाली है, ये आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि ताली इतनी है और खाली इतनी है। तो आइए बढ़ते हैं लेसन की तरफ, शुरू से देखते हैं पूरे बोल को। धिन धिन धागे तेरे किट तू ना का ता, धागे तेरे किट धिन्ना। अब धिन्ना का बोल है, यहां वैसे तुम बजेगा और डग्गा ऐड हो जाएगा धिन्ना। अब ये है पूरी एक ताल विलंबित लय में। अब इसको और लय गिराकर मैं आपको सुनाता हूं। 12 मात्रा की ताल है, धिन धिन धागे त्रिकिट तू ना कत्ता, धागे त्रिकिट धी ना धिन। ये इसको हम पूरा विलंबित लय में सुनेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। धिन धिन धागे तेरे कीट तू ना एक ताल के शुद्ध बोल। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और आपको कोई भी सवाल है तो कमेंट्स में मेरे से पूछिए, मैं उनका जवाब दूंगा। और जो इसी वीडियो में मेरे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने पिछले लेसन्स नहीं देखे हैं, मैं उन्हें बोलना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक डाल रहा हूं, आप वहां से जाकर भी देख सकते हैं। और जो मेरी वीडियो पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं देख रहा हूं कि कितने लोग मेरी वीडियोस देखते हैं पर सभी लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो मैं उनसे बोलना चाहूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप पूरा वीडियोस देख रहे हैं तो उसे जरूर लाइक कीजिए, इससे मुझे भी अच्छा लगता है और मेरा खुद मन करता है मैं आपके लिए नए से नए लेसन लेकर आऊं। तो इन बोलों का खूब रियाज कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। कम से कम 15 मिनट से लेकर 2 घंटे तक आप सिटिंग करने का प्लान कीजिए, धीरे धीरे सिटिंग को और बढ़ाइए। उम्मीद है आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।